नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सुमेरपुर तहसील के खिवादी गांव में राजपूत समाज के लोगों के द्वारा सरगरा समाज के लोगों पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को पकड़ने और सार्वजनिक रूप से धमकाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से और समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा पाली कलेक्टर अंशदीप को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। पीड़ित जगदीश कुमार ने बताया कि मार्च महीने में होली के त्योहार पर राजपूत समाज के जो गांव के ही लोग हैं हमारे घर में घुसकर लगभग 20 जनों महिलाओं और बुजुर्गों के साथ जानलेवा हमला करते हुए हमें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो आज भी सही रूप से ठीक नहीं हो पाए। उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई करने को लेकर पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस द्वारा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार न करके दूसरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। हमारी मांग है कि मुख्य आरोपी जो भी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं समाज के ही राकेश पवार ने बताया कि हमारे सरगरा समाज मारपीट के कई मामले सामने आए हैं। इससे पूर्व में भी जावरा हत्याकांड का मामला अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। उनके आरोपियों को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया। साथ ही इस दीवानगी मामले में करीब 3 से 4 महीने होने को है, लेकिन मुख्य आरोपी आज भी सलाखों के बाहर नजर आ रहे हैं। पुलिस का यह आलम है कि आरोपियों को तो कोरोना के चलते जेल से निकाल दिया और पीड़ित पक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया है, जो कि गलत है। हमारी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पूरा मामला क्या है? हम सब हमारे घर में बैठे हुए थे सर, और होली का मौत बैठा था। शाम का टाइम था, उस टाइम सर रात 6 शाम के सर करीब 6 बजे सर राजपूत समाज के काफ़ी कम से कम 25 से 30 जने लोग आए, और सर हमारे घर में घुस के हमारे घर वालों के साथ बहुत बुरी तरह से सर मारपीट, यहाँ तक कि सर बच्चे बुजुर्ग हमने कई लोगों के साथ लगी है, कम से कम 25-11 घायल हुए और 2-3-4 जनों का फ्रैक्चर भी है सर। वहाँ मदरदास माधव उनका ऑपरेशन हुआ सर, कि उसके बलात्कार करके हत्या हुई तो भी सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं की, उसको अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए। हमने शासन को कोऑपरेट किया और अब इस मार्च में खिवांदी में हमारे समाज के 20 जनों को घर में घुस के मारा गया। इस बाबत हम एसएसपी साहब से मिले, गेट साहब से मिले, और अभी तक वो सारे आरोपी नहीं पकड़े गए। उल्टा लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन में शासन सामान्य मुलजिमों को कोर्ट सामान्य मुलजिमों को जेल से बाहर निकाल रही है, उस समय लॉकडाउन में हमारे समाज के पीड़ित परिवार को पुलिस ने अंदर डाला है। ये सब हम गिरफ्तार से मिलने आए हैं। अब कह रहे हैं कि अभी वो अभी जो 19 आरोपी 20 आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो हम सेम जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे।